वेलकम डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एमसीक्यूज के बारे में जो बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आते जाते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। सिंकहोल इज अ फिनोमिना ऑफ ए बी सी या डी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, के ए आर एस टी, कॉस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज। बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी क्लोरीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द नुखाई फेस्टिवल इज प्रेडोमिनेंटली ऑब्जर्वड इन विच स्टेट। नुखाई फेस्टिवल कहां पे है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ओडिशा। नेक्स्ट की तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द रेड फोर्ट ऑफ आगरा। कौन सा ट्रू नहीं है इनमें, याद रखना हमें बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट। यूनेस्को, ये साइट यूनेस्को को 2007 को दिया था, टैग किया गया था 1989 में, नहीं ये गलत है। तो ये ही इसका करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, बाकी सभी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अजंता केव्स। आपके लिए मैं 5 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 5 सेकंड है आपके पास। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, अजंता केव्स वर एक्सकेव्ड बिटवीन 2nd एंड 6th सेंचुरी। ये ठीक है, तो इसका यही आंसर है, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, बाकी सभी गलत है। दे डिपिक्ट द स्टोरी ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म से ये बिलोंग नहीं करते थे, ये थे बुद्धिज्म से, बाकी तो ये सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइड्रोफोबिया, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कलर ऑफ द यूरिन इज येलो बिकॉज ऑफ, ए बी सी या डी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, यूरिक्रोम। व्हाट इज 3, 3 क्या होता है, ए बी सी या डी, जल्दी जल्दी कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, एनर्जी इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ग्रीन इकोनॉमी। इनमें से बताना है ग्रीन इकोनॉमी बेस्ट क्या, कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब करता है। 4 सेकंड है आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, लो कार्बन रिसोर्स एफिशिएंट एंड सोशली इंक्लूसिव इकोनॉमी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच स्टेट इज लोकटेक द लार्जेस्ट लेक इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, मणिपुर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, उमियम लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। उमियम लेक किस स्टेट में है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी मेघालय। नेक्स्ट, द अलामती इज ऑन द रिवर बैंक ऑफ, ए बी सी या डी। अलामती एक डैम है, किस रिवर के किनारे पे है, सॉरी किस रिवर पे बना हुआ है ये अलामती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कृष्णा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरह चलते हैं, समोग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ए बी सी या डी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पॉट, समोग एंड फॉग। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रंटल रेन इज कॉज्ड बाय, फ्रंटल रेन इज कॉज्ड बाय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, 3 सेकंड है आपके पास। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पॉट, साइक्लोनिक एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 15, डोमेस्टिक कुकिंग डिश कंसिस्ट्स मोस्टली ऑफ, ए बी सी या डी। बेसिक लेवल क्वेश्चन है, 10th के साइंस में पढ़ा होगा आपने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पॉट, लिक्विफाइड ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 16, केमिकली क्विक सिल्वर इज नोन एज, क्विक सिल्वर किसको कहते हैं, ए बी सी या डी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पॉट, मर्करी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द मेटल यूज्ड टू गैल्वनाइज आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग इज, ए बी सी या डी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पॉट, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस वाज पोस्टुलेटेड बाय, ए बी सी या डी। इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट है वो है ए पॉट, जोसेफ फ्यूरियर, ए पॉट इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 की तरह चलते हैं, The Kibu Lamju, the only floating national park in the world, is located in which of the following state? बताना है आपको Kibu Lamju, जो floating national park के नाम से भी मशहूर है, Kibu Lamju जो floating national park है, बताना है आपको किस state में है? Question number 19 की तरह चलती है, इसका जो correct answer है वो है Manipur, A is the correct option. Question number 20, Mudumalai Sanctuary is famous for. Mudumalai Sanctuary किस जानवर के लिए famous है? The correct is tigers, A part. Question number 21, Ras Leela is the famous folk dance of which Indian state? Ras Leela कहाँ का है? इसका जो correct answer है वो है B part is the correct answer, उत्तर प्रदेश का है, बिल्कुल। Question number 22,
सत्रिया इज अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? तो ये आपको बताना है सत्रिया किस स्टेट का है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर आसाम है, तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़।